तो गाइस ये कार्ड फाइनली प्रिंट हो गया है। हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़टब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्सन L3110, L3210 या एप्सन की किसी भी इंक टैंक प्रिंटर से हम पीवीसी कार्ड कैसे प्रिंट करें। बहुत सारे मित्रों का कमेंट होता है और एक मित्र ने मुझे कमेंट किया था अभी जल्दी ही इसी चैनल पर कि सर ये वाला पीवीसी कार्ड हम इस प्रिंटर से कैसे प्रिंट करें। तो मैंने सोचा आज इसका पूरा ट्यूटोरियल हम आपको दिखाएंगे और कंप्लीट एक पीवीसी कार्ड प्रिंट करके आपको इसी प्रिंटर से दिखाएंगे और आप भी इस तरीके से अपने प्रिंटर से इस तरह का प्लास्टिक वाला जो पीवीसी कार्ड होता है इसे आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे आपके पास कोई आधार कार्ड बनवाने आता है या कोई सा भी कार्ड कोई बनवाने आता है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो बोलते हैं कि सर इस तरह से प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड मुझे चाहिए, उस तरह से प्रिंट कर दीजिए मुझे। तो आप जानते हैं ना कि अगर पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग मशीन हम परचेज करते हैं तो 50,000 से 60,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन बाय द वे अपने पास अगर यही L3110, L3210 या एप्सन का कोई सा भी इंक टैंक मॉडल का प्रिंटर हम यूज करते हैं तो उसी से हम इस टाइप के कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा गाइड हम आपको करेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे तमाम सारे टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां बगल में आपको हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने एक कार्ड डिजाइन कर लिया है और आइए अब हम इसको प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करते समय हमें क्या क्या सेटिंग करना होगा, ये सेटिंग सबसे पहले हम लोगों को देख लेना होता है। तो यहां आप देख सकते हैं हमने फोटोशॉप में एक ये कार्ड डिजाइन कर लिया है। सिंपल आपको यहां से कंट्रोल पी कर देना है, यानी कि प्रिंट कमांड दे देना है और फिर पेज सेटअप में आकर के आप A4 साइज का पेज लगा लेंगे। मैंने लैंडस्केप में डिजाइन किया है तो मुझे प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड में आने के बाद यहां से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जैसे ये 3210 सीरीज का प्रिंटर है तो 3210 यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी में आएंगे गाइस और यहां पे आप देखेंगे आपको जो ये प्लेन पेपर दिखाई पड़ रहा है इसको फोटो क्वालिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो कार्ड होगा वो फोटो क्वालिटी में होना जरूरी है। और स्टैंडर्ड को यहां से आप हाई कर लेंगे, ये दोनों सेटिंग आपको कर लेना है और इसके बाद आप मोर ऑप्शन में आ जाएंगे। तो गाइस इसके लिए हमें मिरर प्रिंटिंग करना होगा और मिरर प्रिंटिंग अगर हम करेंगे और डायरेक्टली अगर इस पे प्रिंट भी निकल जाएगा तो इस पे प्रिंट तो उल्टा आ जाएगा। और आप भी जानते हैं कि हम इस कार्ड पे प्रिंट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो प्रिंटर होता है ये 180 जीएसएम के ऊपर के पेपर को खींच नहीं सकता है। ये फोटो प्रिंट क्वालिटी तो दे देगा लेकिन ये मोटे पेपर को नहीं खींच सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशली इसी प्रिंटर के लिए, मतलब इसी टाइप के सभी प्रिंटर के लिए, एक पेपर और साथ में एक प्लास्टिक का कार्ड जो आता है A4 साइज का, उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। मैं उस टेक्नोलॉजी को आपको दिखा देना चाहता हूं। यहां पे हम देखेंगे तो ये सेम प्लास्टिक कार्ड मेरे हाथ में, ये A4 साइज का आता है, ये एक टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये पेपर है। कुल मिलाकर के ये ट्रांसपेरेंट एक पेपर है जिसे ट्रेसिंग पेपर होता है कि इसको हम मिरर प्रिंटिंग करेंगे तो फिर पॉलिथीन टाइप का ये होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा और इस पे हम इसे निकालने के बाद चिपका देंगे। इसमें गम पहले से ही लगा होता है, आसानी से ये चिपक जाता है। तो प्रिंट इस पे करेंगे और मोटाई बढ़ाने के लिए हम इस पे इसको चिपका देंगे। बाय द वे अगर आधार कार्ड प्रिंट करना है तो दोनों साइड हम इस पे छाप लेंगे, मतलब आधार का पूरा साइज छाप लेंगे, एक तरफ फ्रंट का एक तरफ बैक का, और इसको आधार साइज इसको हम इस पे फिर इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से चिपका देंगे दोनों साइड और लेमिनेट कर देंगे। तो इस केस में आधार कार्ड भी हमारा तैयार हो जाएगा और ये एकदम बिल्कुल इसी पीवीसी कार्ड की तरह वापस निकल के आएगा। हम अभी आपको दिखाएंगे गाइस, इस पेपर की टेक्नोलॉजी ये है कि आप यहां पे देखेंगे इस तरफ यहां पे ये छूट रहा है और ये आप देखिए तो यहां ट्रांसपेरेंट पेपर निकल रहा है इस तरह से जो आर पार दिखाई देगा। तो जिस तरफ से ये निकल रहा है इस पे ऊपर से एक लेयर लगाया गया है तो इसको आपको इधर नहीं छापना है, प्रिंट इसके जस्ट उल्टे साइड करना, इधर हम मिरर प्रिंटिंग कर देंगे और फिर ये सीन जो है ना इस पे जब चिपका देंगे हम तो ये फिर सीधा होकर के हमें दिखाई देने लगेगा और जब उल्टे साइड इसकी छपाई होगी तो फिर क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा और फिर वो मिटेगा भी नहीं। ये बहुत बढ़िया जुगाड़ है कि जिससे आप इस प्रिंटर से ही पीवीसी कार्ड की तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल ये पेपर और इसे परचेज करना पड़ेगा। इसका पूरा पैकेट आता है, मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पे आप यहां पे देखें तो सीधा लिखा हुआ है इंकजेट पीवीसी कार्ड के लिए ये पेपर है। इसको आप परचेज कर लेंगे, ये आप अपने क्षेत्र में पता कर लें कि ये कहां मिल जाएगा, ये स्टेशनरीज के शॉप पे मिल जाएगा या जो प्रिंटर वगैरह बेचते हैं उनके यहां भी मिल सकता है। तो इसे आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप एक सीट ये पूरा परचेज कर लेते हैं, इसमें यहां पर देखें तो 50 सीट होता है और 50 सीट एक A4 पेपर में आप 10 सीटें छाप सकते हैं, यानी अगर आप एक पैकेट ले लेते हैं 50 सीट होता है तो 50 × 10 यानी लगभग 500 कार्ड आप बना ले जाएंगे। तो गाइज अब आइए छाप के दिखाते हैं हम आपको।
तो इसको आपको मैंने बताया था कि जिस साइड ये निकलेगा उस साइड छापना नहीं है, उसके उल्टे साइड छापना है। तो इस पेपर को हम इस तरह से लगाएंगे इसमें, और इसमें मैंने डाल दिया है इसे। अब गाइस सिंपल हमें यहां से मिरर प्रिंटिंग पर क्लिक करना होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मिरर प्रिंटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। जैसे ही गाइस ओके करेंगे ना, ये पेपर जो है प्रिंट होके आ जाएगा हाई क्वालिटी में। तो मैंने यहां से प्रिंट दे दिया है, अब ये प्रिंटर इसे प्रिंट करेगा। तो गाइस फाइनली ये प्रिंट आ गया है, और आप यहां पर देखें तो यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने ब्लर कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, क्योंकि ये डेमो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और अब यहां पे देखें तो इसके उल्टे साइड हम देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो इसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, ये लेयर यहां पे आप देख पा रहे हैं। अभी फाइनली जब इस लेयर को हम हटाएंगे इस तरीके से, तो फिर इसकी क्वालिटी एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें दिखने लगेगा। अब इसे हमें क्या करना होगा, इस पेपर के ऊपर इसे हमें चिपकाना है। जो ये प्लास्टिक वाला कार्ड है, इसमें पहले से गम लगा होता है, तो इसे हमें ध्यान से इसके किनारे ऐसे हमें चिपका देना है इस पे। अब चिपकाएंगे कैसे, तो चिपकाने के लिए इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक वाली सीट होती है पीवीसी, इस पे ही गम लगा होता है दोनों साइड, और इसके ऊपर भी एक लेयर लगा हुआ है पतला सा, यहां पे हम देखें तो इस लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। इस तरह से देखें तो इस पे अब जो नीचे हमें मिलेगा ये पूरा गम होता है, इसमें ये चिपकेगा, लेकिन इस पे वही पेपर ही चिपकेगा। तो इसे हम आराम से पूरा निकाल देते हैं, और ये निकल गया है। अब इसको इसी के ऊपर चिपकाना है, और इसको हमें देखना है कि जो ये मिरर साइड है, मिरर साइड ही इस पे रखना है, और इस पे बहुत ध्यान से चिपकाएंगे, क्योंकि एक बार चिपकने के बाद ये छूटेगा नहीं गाइस। तो ये दोनों साइड, इसके एक साइड में आप इधर इसका साइज मिला लेंगे और इस पे रख देंगे। एक साथ 10 कार्ड आप एक A4 पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना था इसलिए मैंने सिर्फ एक प्रिंट किया है, और इस तरह से ये अपने हिसाब से इसको सेट कर लेगा। आप चाहते तो इसके बगल में भी और भी कार्ड आप प्रिंट कर सकते थे। तो फाइनली इस पे ये प्रिंट अब आ गया है, और ये कार्ड इस पे चिपक गया है। यही सेम सीन अगर आधार कार्ड होता तो इधर भी वही सेम पॉलिथीन लगा हुआ है, इसके ऊपर से हटाएंगे इस पे भी चिपक जाएगा। अब इसको हमें फाइनल इस लेमिनेशन मशीन के अंदर डालना होगा। एक लेमिनेटर मशीन की आपको भी जरूरत पड़ेगी, लेमिनेटर की। तो इसमें अब हम इसे डाल देंगे, क्योंकि ये हीट होता है तो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, लेकिन फिर ठंडा होने के बाद बिल्कुल उसी कार्ड की तरह हो जाएगा जो ये कार्ड होता है हमारे पास। और हम देखें तो ये अब पूरी तरह से हीट होकर के आ गया है। अभी ऊपर का लेयर हटाना बाकी है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। जब ऊपर का लेयर हटेगा तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। अब फाइनल इसको हमें क्या करना है, अब काटना है। तो इसे आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं, अगर हार्ड कैंची आपके पास है तो, वरना इसके लिए एक मशीन आती है। तो गाइस इसको थोड़ा सा चाहें तो हम कैंची से भी काट सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छी कैंची नहीं है, अगर हार्ड कैंची आपके पास होगा तो आप कैंची से डायरेक्टली कार्ड ही निकाल ले जाएंगे, लेकिन मेरे पास ये कटर मशीन है, तो इस कटर मशीन से हम अभी इसे काट देते हैं ताकि साइज इसका अच्छा निकल आए। तो ये मैंने अलग कर दिया। जब हम इसे A4 पे प्रिंट करते हैं तो ये दोनों साइड में बराबर बराबर होता है, बीच में जगह छूटा होता है, तो बीच में एक बार कैंची से काटना पड़ता है, तो बाकी सारे कार्ड इससे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस साइड से भी थोड़ा हटा देते हैं ताकि ये मशीन में घुस जाए आराम से, और एक परफेक्ट साइज का शेप हमें मिल जाए। तो गाइस इसको फिर हम इस मशीन में डालेंगे, और आप चाहें तो ये कैंची से ही काट के पूरा कार्ड का साइज निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मशीन है तो मैं इससे ही काट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको परफेक्ट एकदम साइज पे हम मिला देंगे। जब ये परफेक्ट हो जाए, साइज इसका मिल जाए, तो फिर आपको इसे प्रेस कर देना है जोर से पीछे। तो ये कार्ड अब फाइनली निकल आया है प्रिंट होकर के, और फाइनल कट साइज हो गया है इसका। और इसे अब इसके ऊपर जो लेयर था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पेपर के बारे में, उस लेयर को हटा देना है, और ये पीवीसी कार्ड अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखा ना आपने, आपके इसी 3110 3210 या किसी भी टैंक प्रिंटर से आप ये कार्ड छाप सकते हैं। बस आपके पास ये पेपर होना चाहिए जिस पेपर पे अभी मैंने प्रिंट किया है। तो हम देखें इसको, तो इसका ये भी हम उजाड़ देते हैं जो इसके फ्रंट पे लगा हुआ है, ताकि इसका क्वालिटी हमें देखने को मिल जाए। तो गाइस अब ये इसका जो लेयर इसके ऊपर लगा था, उस लेयर को भी हम हटा देते हैं, ताकि एक अच्छा क्वालिटी का हमें पीवीसी कार्ड देखने को मिल जाए। और अब आप देख सकते हैं जादू किस तरह से ये प्रिंट हो चुका है, और कितना अच्छा क्वालिटी भी आ गया है। तो देखें
तो ये पीवीसी कार्ड मैंने इसी प्रिंटर से प्रिंट कर दिया है। जो यहाँ पे ब्लर आ रहा था, ब्लर आ गया है, वो मैंने ब्लर जानबूझकर किया है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर है वो। और अब आप देख सकते हैं ये कार्ड प्रिंट हो गया है। तो गाइज ये कार्ड फाइनली प्रिंट हो गया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।